जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह सिलाइयों से दो रंग से अपने लड्डू गोपाल के लिए ब्लैंकेट या बेडशीट बनाएंगे। इसे आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। हल्की सर्दी में ये ओढ़ने के काम भी आ सकती है और बेड पे बिछाने के काम भी आ सकती है। इसके लिए हमने इसे सिलाइयों से बनाया है, इसे दो रंग से बनाया है। तो चलो हम ये बेडशीट बनाना शुरू करते हैं। ये बेडशीट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 36 फंदे डाल ली। ये मैंने दो सिलाइयों में डाल रहे हैं जिससे हमारे फंदे नीचे से लूज़ लूज़ रहते हैं, खिंचे खिंचे नहीं रहते। अब इसके अंदर मैं 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूँ। फंदे डालने के बाद इसके अंदर हम 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालते हैं दोनों तरफ से। इससे मैंने ये 6 सिलाइयाँ निकाल ली है। अब वापस इसके उल्टी तरफ आ गए। शुरू के 4 फंदे तो हम इसी कलर से बनाएंगे क्योंकि हमारे साइड की पट्टी बनेगी। अब आगे हम इसके अंदर अपना ऑफ वाइट क्रीम कलर लगाएंगे। बीच के सभी फंदे हम अपने ऑफ वाइट से बनाएंगे और लास्ट के 4 फंदे हम अपनी डार्क कलर की ऊन से बनाएंगे। बीच के सभी फंदे बनाती हूँ मैं उल्टे। अब लास्ट के 4 फंदे इन्हें वापस से अपनी डार्क कलर की ऊन से बनाएंगे। वो अपने सीधी तरफ आ गए। इसी तरह से इसके अंदर 3 सिलाई और निकालूंगी तो कुल हमारी इस तरह से 4 सिलाई हो जाएंगी। तो तीनों सिलाई निकाल के कंप्लीट करती हूँ। जिस कलर का जो फंदा है उसी तरह से हमें उल्टी तरफ से भी निकालना है और सीधी तरफ से भी। दोनों तरफ से सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनेगी। इससे मैंने इसके अंदर ये 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। वापस से उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ शुरू के 4 फंदे तो अपनी पट्टी के हम उल्टे बनाते हैं, फिर उनको इस तरह आगे करके क्रॉस करते हैं दोनों तरफ से जिससे बीच में गैप नहीं रहता। दो फंदे अपनी लाइट कलर की ऊन से बनाएंगे, फिर अपनी उनको इस तरह से क्रॉस करेंगे। बीच के फंदे हम डार्क कलर की ऊन से बनाएंगे। इस तरह हमने बीच के सभी फंदे डार्क कलर की ऊन से बना लिए। दो फंदे हम लाइट कलर की ऊन से रख लेते हैं। इन्हें अब यहाँ पर नया ऊन जोड़ेंगे हम और इन दो फंदों को ही हम लाइट कलर की ऊन से बना लेंगे। फिर आगे के 4 फंदे अपने पट्टी के बनाते हैं। अब इसी तरह से हमारी ये वापस से 3 सिलाइयां निकलेंगी। जिस कलर का जो फंदा है उसी कलर से बनाएंगे। पट्टी के 4 फंदे तो हम उल्टे बनाते हैं, फिर इस तरह से उनको क्रॉस करेंगे। दोनों उनको क्रॉस करके यहाँ पे दो फंदे हम अपनी लाइट कलर की ऊन से बनाएंगे, फिर क्रॉस करेंगे और बीच के फंदे हम अपने डार्क कलर के ऊन से बनाएंगे। इससे बनाते इसके अंदर ये तीनों सिलाई कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह से मैंने अपनी ये तीनों सिलाई निकाल ली है तो हमारी दो दो रो हमारी गांठ स्टिच की बनती जा रही है। अब वापस से अपने शुरू के 4 फंदे तो अपनी पट्टी के बनाते हैं। दो फंदे हमारे लाइट कलर के उनके, उसके बाद दो फंदे हमारी डार्क कलर के उनके और फिर बीच के फंदे हम लाइट कलर के उन से बनाएंगे। अब हमारे दो फंदे हमने डार्क कलर के छोड़ दिए। यहाँ पे अपनी उनको इस तरह से क्रॉस करेंगे और जो हमारी डार्क कलर की ऊन है उसको इधर आगे ले आएंगे और इन दो फंदों को डार्क कलर की ऊन से बना देंगे। फिर उनको इस तरह से क्रॉस करेंगे। दो फंदे हमारे ऑफ वाइट के ने लाइट कलर के बनाएंगे, फिर पट्टी के 4 फंदे हम डार्क कलर से बना देंगे। अब सीधी तरफ
जो फंदा जिस कलर का है उस कलर से बना लेंगे। इससे बनाते हुए इसके अंदर मैं दोनों तरफ से ये तीन रो कंप्लीट करती हूँ, तो हमारी चार, इससे मैंने अपनी ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। हर बार जब हमारा बीच का कलर चेंज होगा तो साइडों के दो दो फंदे हमारे सेम कलर से बनते जाएंगे। शुरू के चार फंदे हम अपने डार्क कलर के उनसे बनाते हैं, फिर आगे के दो फंदे लाइट कलर के उनके बनेंगे, फिर दो फंदे हमारे डार्क कलर के उनके बनेंगे, फिर बीच में जितने फंदे हैं इन फंदों में से दो फंदे हमारे लाइट कलर के आएंगे और बीच के सभी फंदे हमारे डार्क कलर से आएंगे। हर बार हमारे चार सिलाइयों के बाद दोनों तरफ से दो दो फंदे बीच में कम होते जाता है, तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। ये अब दो लाइट कलर के फंदे हमारे लाइट कलर के उनसे बनेंगे, तो इस तरह से इसे क्रॉस करेंगे, लाइट कलर के उनको इधर ले आएंगे, दो फंदे लाइट कलर के ऊन से बन जाएंगे, फिर आगे के दो फंदे हमारे डार्क कलर के ऊन है इन्हें डार्क कलर से बना देंगे, फिर दो लाइट्स हैं दो लाइट के बना देंगे, फिर चार पट्टी के फंदे डार्क कलर से बना देंगे। फिर चार सिलाई निकाल लेंगे, तीन सिलाई, फिर अगली जब डिजाइन बनाएंगे तो दो फंदे हमारे डार्क कलर के रह जाएंगे, फिर हमारे बीच में इतने फंदे बनेंगे, फिर चार सिलाइयाँ निकल जाएंगी, फिर दो दो फंदे साइडों के रह जाएंगे लाइट कलर से रह जाएंगे। इस तरह से इसे बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर अपनी ये रो निकाल के कंप्लीट कर लिए। मैंने बीच में जब हमारे चार फंदे बच जाते हैं तो उसके बाद इसके अंदर मैंने 2, 4, 6, 8, 10 तो 12 लाइनें निकाली, चार फंदे बचने और सभी जगह हमने दो दो फंदे साइडों से कम किए। पहली रो में कम किए तो दोनों साइडों से दो, फिर दो इसमें किए थे दो इसमें, इस तरह से लास्ट में हमारे बीच में चार फंदे बच जाते हैं। तो चार के अंदर मैंने 12 सिलाइयाँ निकाली और कुल हमारी सिलाइयाँ 14, 16, 18, 20, 22, 24 सिलाइयाँ हो गई। अब ऊपर की तरफ हमारी 2, 4, 6, 8, 10 तो 12 सिलाइयाँ और निकलेंगी, तो कुल इसके अंदर हमारी 36 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 12 लाइनें हमारी गांठ स्टिच की हमारे डिजाइन की निकली, फिर 12 लाइनें हमने अपनी प्लेन कलर की उनसे निकाली। अब 12 लाइनें हम वापस से अपनी डिजाइन की बनाएंगे, तो जिस तरह से हमने अपने डिजाइन को अंदर की तरफ बंद किया था, अब ये पूरी पूरी डिजाइन बंद होके इस तरह से बन जाएगी। तो मैं आपको एक बताती हूँ, शुरू में हम अपने चार फंदे तो जिस तरह से डिजाइन के बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे हम। पट्टी के चार फंदे मैंने बनाए, फिर आगे दो हमारे लाइट कलर के हैं लाइट कलर से बनाएंगे, फिर दो फंदे डार्क के हैं डार्क से बनाएंगे, फिर दो फंदे हमारे लाइट के हैं लाइट से बनाएंगे, फिर डार्क के डार्क से बनाएंगे। अब लास्ट में जब बीच में हमारे चार फंदों के पास में जो हमारे डार्क कलर के फंदे, अब बीच कलर की ऊन आ गई है दोनों तरफ, तो बीच वाले लाइट कलर वाले फंदों को तो हम खत्म कर देंगे और सभी फंदे हम डार्क कलर की ऊन से बनाएंगे। तो अब हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह हमारे 8 फंदे बीच में आ गए। फिर जिस तरह से हमारे जो कलर का फंदा है उसी कलर से उसे बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर इस तरह हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सीधी तरफ आ गए, जिस तरह से हमने नीचे की तरफ चार सिलाइयों के अंदर दो रो गांठ स्टिच की बनाई थी उसी तरह से ऊपर भी बनाएंगे। तो एक सिलाई तो हमारी निकल गई है, अब इसके अंदर तीन सिलाइयाँ और निकालेंगे, तो तीन सिलाइयाँ निकालने से दो रो गांठ स्टिच की बन जाएंगी और बीच में हमारी ये डिजाइन बंद होती चली जाएगी। तो ये चार सिलाइयाँ तीन सिलाइयाँ निकाल के फिर एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ जिस कलर का। इस तरह मैंने अपनी ये दो रो गांठ स्टिच की बना ली है और हमारी एक डिजाइन ये कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये लाइट कलर वाली कंप्लीट हो जाएगी, फिर डार्क वाली, इस तरह से सभी डिजाइन कंप्लीट होंगी।
एक बार और बताती हूँ मैं आपको, जो कलर का जो फंदा है उसे बनाते हुए बीच में आते हैं हम इसमें। अब यहाँ तक हम बना लेंगे, बीच में दोनों तरफ हमारे लाइट कलर के फंदे आ गए। तब ये सभी फंदे हमारे बीच वाले लाइट कलर से बनेंगे, तो जो हमारी दूसरी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, और बीच के सभी फंदे हम लाइट कलर से बना देंगे। फिर आगे के जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना के अपनी सुरों को कंप्लीट कर लेंगे। अब वापस हम अपनी 3 सिलाई और निकालेंगे तो हमारी दूसरी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर बीच के फंदे हम डार्क कलर से बना लेंगे, फिर लाइट कलर से, फिर डार्क कलर। इस तरह बनाते हुए लास्ट में हमारे साइडों की पट्टी के अलावा सभी फंदे बीच के लाइट कलर से बन जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम ये 6 सिलाई निकाल के सभी फंदों को घटा के अपनी बेडशीट या ब्लैंकेट को कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते हुए हमारी बेडशीट कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेडशीट। अगर आपको मेरी बेडशीट की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।